Hello, good morning, India. The Hindu analysis सुबह 6 बजे. Daily vocab सुबह 8 बजे. Mass मंथन सुबह 10 बजे. GK ज्ञान दोपहर 12 बजे. Reasoning मंत्रा दोपहर 2 बजे. English dose शाम 4 बजे. CDS special शाम 6 बजे. सुबह 6 बजे से. शाम 6 बजे तक. Back to back classes. Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello, good morning. दोस्तों Wi-Fi Study आपके लिए लेके आया है CHSL धमाका, जिसमें आपको मिलेगा complete video solution. साथ में आपको मिलेगी CHSL की online test series, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपने doubts भी. Reasoning पढ़िए मेरे साथ. Quant पढ़िए मेरे साथ. GK पढ़िए मेरे साथ. और English पढ़िए मेरे साथ. तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब CHSL दूर नहीं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. सो जैसा कि आपको पता है, डेली हम 12 बजे जीके क्लास करते हैं. इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और वापस से आज हम एक CHSL का प्रीवियस ईयर का सेट डिस्कस करने वाले हैं, जीके का, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में ऐसी कई इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपके सभी पेपर के लिए और आपके एज ए इंडिविजुअल जीके सीखने के लिए और आपको ग्रो करने के लिए बहुत काम आएगी. और जो लोगों की अभी तक प्रिपरेशन हो चुकी है, वो फ्रेंड्स देखिए, जिनकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए. टेस्ट सीरीज देखिए, जितने आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे टेस्ट भी बने हुए हैं, तो टेस्ट भी जरूर अटेम्प्ट करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो. और जिनकी अभी तक नहीं हुई है, उन सभी के लिए CHSL धमाका लॉन्च कर चुके हैं, तो उसकी भी मदद लेना ना भूलिएगा. और उम्मीद करें आज हम काफी कुछ सीखने वाले हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था पिछले साल एक एग्जाम के सेट के अंदर. फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड. तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था. तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है. काफी बार ये जो क्वेश्चन है, ये CGL के अंदर भी पूछा जा चुका है, CHSL में भी पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी लोगों को यहाँ पे आशीर्वाद, काफी लोगों को यहाँ पे आंसर आता होगा. और बिल्कुल वाईफाई स्टडी का आशीर्वाद आपके साथ में है धनंजय जी. और यहाँ पे काफी लोगों ने जो बी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स. महाबोधि मंदिर कहाँ पर है ये, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है. बौद्ध गया, गया के अंदर है, आपको पता ही है गया कहाँ पर है, बिहार के अंदर है और पटना से नियर बाय मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास होगा. तो गया के अंदर है ये बौद्ध गया, जो महाबोधि टेम्पल. और देखिए ये जो महाबोधि टेम्पल है, ये वही प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था, ऐसा कहा जाता है. जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, एनलाइटमेंट किया था अपना उनका. उसके बाद में जब अशोका को पता लगा था, 200 साल बाद में जब अशोका वहाँ पे गए, तब उनको पता लगा कि यहाँ पे बोधि ट्री है, पीपल का पेड़ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था. तो वहाँ पे उन्होंने एक स्मारक और ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनाने की सोची, और फिर वहाँ पे उन्होंने महाबोधि टेम्पल बनाया, जहाँ से उन्होंने सेंटर बना के रखा अपने बुद्धिज्म को प्रेस करने के लिए. उसके बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी प्रमोट किया. और 232 BC के अंदर अशोका की डेथ हुई थी, ये सभी आपको पता होना चाहिए. हुमायूं टॉम के बारे में कल ही हमने डिस्कस किया है कंप्लीट डिटेल्स. हुमायूं टॉम किसने बनाया था, उनकी जो वाइफ थी हुमायूं की, बानू बेगम, उन्होंने बनाया था. और इसके अलावा कुतुब मीनार आपको पता ही है. कुतुब मीनार को लेके एक अच्छा सा स्टोरी है जो कि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड. कुतुब मीनार पेपर में कई बार कुतुब मीनार को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं. कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और ये सब हुमायूं टॉम, तीनों कहां पर है, दिल्ली के अंदर ही. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद में देखिए, जब कुतुब मीनार की हम बात कर रहे हैं ना, तो कुतुब मीनार सबसे पहले बनाना जो स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था. इसका जो फर्स्ट फ्लोर है ना, 5 स्टोरी बिल्डिंग है ये, पता है ना आपको, 5 फ्लोर्स है इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही है, 5 फ्लोर्स है इस बिल्डिंग के. तो पहला तो जो फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था. और ऐसा नहीं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के लिए बनाया था, एक इनके सेंट थे जो जिसको ये गुरु माना करते थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ही नाम था उस सेंट का, तो उनके लिए कुतुब मीनार बनाया था इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. इसके बाद की जो 3 मीनार है,
वो किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। आपको पता ना इल्तुतमिश इनके सन इन लॉ थे और इनके सक्सेसर थे, इसके बाद में यही आए थे। इन्होंने तीन जो फ्लोर है वो इन्होंने बनाए, उसके बाद में हुआ ये, ठीक है, 11th सेंचुरी में इन्होंने बनाया एंड में 12th सेंचुरी में इन्होंने बनाया। और तो एक फ्लोर गिर गया था, उसका एक फ्लोर नीचे गिर गया, तो एक फ्लोर और साथ में पांचवा फ्लोर वो किसने बनाया? फिरोज ने बनाया, फिरोज शाह तुगलक। आपको बताइए ना तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिफ्थ फ्लोर वापस से बनवाया। तो इस तरीके से इसके पांच फ्लोर कंप्लीट हुए थे कुतुब मीनार के। अब पेपर में कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए घुमा घुमा के पूछता है कि बताइए आखिरी वाला जो फ्लोर है वो किसने बनाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का। तो इसमें आपको सबको लगता है कि आखिरी फ्लोर और पूरा फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आखिरी फ्लोर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये क्वेश्चन CDS के अंदर पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछते हैं कि बीच के तीन फ्लोर किसने बनवाए थे, कई बार पूछते हैं कि सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार को, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर मॉस्क्यू भी है, इस्लाम मॉस्क्यू, कुम्मत है इस्लाम मॉस्क्यू नाम की एक मॉस्क्यू भी है कुतुब मीनार में, तो वो भी अगर पूछे कहां पर है तो वो कुतुब मीनार के अंदर ही है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और काफी लोगों ने यहाँ पे जयंत जी बोल रहे हैं करंट अफेयर 2017, तो देखिए जयंत जी 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको फरवरी में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर वो मुझे आपको प्रोवाइड करना है, इसीलिए मैं उसको आपको फरवरी में प्रोवाइड करूंगा। जनवरी की करंट अफेयर भी मैं उसमें आपके लिए कवर अप कर दूंगा, ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से CHSL से और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको और करंट अफेयर के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उम्मीद है कि यहाँ पे सभी लोगों ने आंसर सही किया है। बी आंसर आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये जो महाबोधि टेम्पल है वो किस प्रकार का टेम्पल है, तो और साथ में ये आपके सामने कुतुब मीनार है। पहले तो ये कुतुब मीनार उस टाइम की 18th सेंचुरी की कुतुब मीनार है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने पहली इमेज आ रही है वो तो थी कुतुब मीनार की, जो कि 1806 के अंदर ली हुई थी। और जो सेकंड वाली इमेज है वो किसकी है? महाबोधि टेंपल की है, जो कि कहां पर है? गया के अंदर है, ठीक है, बिहार के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन इन इंडिया। तो कई बार ये सवाल वैसे स्टैटिक जीके में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और वापस से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता ही है ना सबसे बड़ा जो अवार्ड है हमारे देश के अंदर वो कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड है। 1954 में जब स्टार्ट हुए थे सारे के सारे अवार्ड, तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ भारत रत्न। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? पद्म विभूषण। लोगों को पद्म भूषण लगता है, ध्यान रखना है पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद में पद्म भूषण और उसके बाद में पद्मश्री की पद्मश्री अवार्ड होता ही है फ्रेंड। ये जो अवार्ड है ना इसके लिए पीएम जो है एक वो कमिटी बनाते हैं, पद्मा अवार्ड कमिटी, पद्मा अवार्ड कमिटी बनाते हैं पीएम। और इस कमिटी के पास में देश के जितने जन जैसे बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो देश के लोग हैं वो क्या करते हैं अपने जो जो जिसको रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो सितंबर में और मई में ये एक साल में 2 बार रिकमेंडेशन लेती है कमिटी, उसके बाद में उनके काम के हिसाब से उनको अवार्ड देती है। तो सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद में विभूषण, उसके बाद में भूषण और फिर पद्मश्री। आज तक देश के अंदर 45 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो 300 के आसपास है, और मैं पद्म भूषण की बात करूं तो समवेयर 1200 समथिंग है, ठीक है, 1200 समथिंग। और अगर पद्मश्री की बात करूं तो कुछ समथिंग 2800 के समथिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अवार्ड आज तक टोटल दिए गए हैं। अगर पद्म विभूषण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब ये दिए गए थे जब उनको सत्येंद्रनाथ बोस, जाकिर हुसैन, ठीक है, कृष्णा मैनन, वीके कृष्णा मैनन, ये सब लोग थे जब इनको पहली बार दिया गया था। पहली बार जब ये अवार्ड मिला था ना तब 7 लोगों को सेलेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। और अभी रिसेंटली अगर मैं 2017 की बात करूं तो 6 लोगों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जग्गी वासुदेव और मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, ऐसे कुछ नाम है जिनको रिसेंटली 2017 में 6 लोगों को यह अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री काफी लोगों को मिलता है, इसलिए आप इसको याद नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफी लोगों को मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और एक इमेज में आप देख भी सकते हैं जो लोग हैं 2017 के जिनको ये मिला था, ये तो सबसे पहले आपके लिए अवार्ड है। सबसे ऊपर कौन सा है?
ठीक है, आपको ध्यान रखना है विभूषण, फिर भूषण और उसके बाद में पद्मश्री। और इसके अलावा सेकंड इमेज है जो कि 2017 के जो नाम है मैं आपके सामने बताया था, जिन जिन लोगों को मिला था सबसे पहले, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी मैंने आपको बता चुका हूं। उसके अलावा शरद पवार है, उदूपी रामचंद्रन है, जग्गी वासुदेव है जो ईशा फाउंडेशन के जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, और यसी देश है, सुंदर लाल पटवा, पी एन सगमा, ये सारे लोग हैं जिनको 2017 के अंदर पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अरुण जी बोल रहे हैं सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो देखिए आपको पता होगा ना सीवी रमन, राधाकृष्णन, राजगोपालाचार्य जी, ये तीन लोग थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो अरुण जी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स पहले वाले जीके के वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलिए, कई सारे ऐसे बेसिक सवाल है जो कि बच्चे पूछते हैं। देखिए अगर आप लोग पहले के वीडियोस देख लिए ना जीके के, तो आपकी जीके बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और इंडिया का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी आप सभी को। तो वो पहले वाले वीडियो जरूर देखिए, 150 वीडियोज के आसपास है जीके के जो आपको दिए गए हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि आपसे मिलिट्री को लेकर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सबको ऐसा लगता है कि एक जैसे होते हैं, तो देखिए ये सब आपको ध्यान रखना है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, ये सब एक नहीं होते हैं। बोलने में मिलिट्री के अवार्ड है लेकिन फर्क होता है देश के। जब हम वॉर टाइम की बात करते हैं, जब हम वॉर टाइम के अंदर जब किसी जो लड़ाई में किसी के अगर बाटियर कोई बन गए, शहीद हो गए हो, तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री का अवार्ड होता है वो होता है परमवीर चक्र, उसके बाद में महावीर चक्र, उसके बाद में वीर चक्र। तो ये तीन अवार्ड है जो कि वॉर टाइम के अवार्ड है। मैं मिलिट्री वाले भी डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मिलिट्री अवार्ड्स। अभी जो हमने पहले देखे थे वो कौन से थे, सिविलियन अवार्ड थे। सिविलियन अवार्ड अलग होते हैं, मिलिट्री अलग होते हैं, इसके अलावा लिटरेसी अवार्ड अलग होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। लीडरशिप वाले अवार्ड अलग होते हैं, इसके लिए मैंने एक इंडियन ऑनर सिस्टम नाम से एक वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप इंडियन ऑनर सिस्टम वाईफाई स्टडी लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने सारे इंडिया के अवार्ड्स आपके लिए क्लासिफाई कर रखे हैं। मिलिट्री अवार्ड की बात करें तो अगर वॉर टाइम की बात करूं अगर मैं, तो आपको पता ही है सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था आपको, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। उसके बाद में सेकंड की बात करेंगे तो महावीर चक्र, और उसके बाद में वीर चक्र। इस तरीके से ये तीन सबसे बड़े अवार्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं पीस टाइम की, पीस टाइम जब वॉर नहीं थी उस टाइम पे सबसे बड़ा अवार्ड होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र, और फिर होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। तो ये जो पीस टाइम वाले तीन है, अब देखिए यहां पे अशोक चक्र तो पीस के लिए दिया जा रहा है, और परमवीर, महावीर और वीर चक्र ये वॉर टाइम के लिए दिया जा रहा है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, अलग अलग है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं। और यहाँ पे अरुण जी ने पूछा अशोक चक्र किस नंबर पे आता है, तो देखिए अशोक चक्र पे नंबर वन पे आता है, लेकिन वो पीस टाइम के लिए अवार्ड दिया जाता है, वो वॉर टाइम के लिए नहीं दिया जाता। पीस टाइम के लिए तीन अवार्ड है जो कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अगर मिलिट्री वॉर टाइम की बात करूं मैं तो तीन अलग है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें उम्मीद कर रहा हूं कि फ्यूचर में अगर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे इससे रिलेटेड कुछ भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया था विच ड्रग इज यूज्ड एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि किस दवा का एक द्वार विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यहां पे दिवांकर जी लेट आए हैं, तो देखिए जो लोग अभी रिसेंटली लेट आए हैं उनको अभी कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, मुश्किल से दो से तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, तो अभी आप बने रहिए और काफी कुछ है जो कि आपको आज सीखने को मिलेगा और आपकी जीके आज काफी इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। तो और यहाँ पे 2017 में बोल रहे हैं, प्रीति जी बोल रही 2017 में भारत रत्न किसको मिला, प्रीति जी 2017 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। जरूरी नहीं है हर साल भारत रत्न देना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न देना ही देना है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, इसलिए काफी सोच समझ के वो अवार्ड दिया जाता है। 2015 में आखिरी बार मिला था भारत रत्न, आपको पता है मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था, तो 2015 में आखिरी बार वो अवार्ड मिला है, ठीक है। और पुष्पलता जी बोल रही है पीस टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए पीस टाइम का मतलब वो टाइम है जब ऐसा नहीं है, आपने मूवी देखी होगी ना अक्षय कुमार की हॉलीडे, सोल्जर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, तो एक सोल्जर हमेशा ड्यूटी के ऊपर रहता है, जरूरी नहीं वॉर के टाइम पे ही वो अपनी बहादुरी दिखाए। ऐसा कई बार होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब है ना आतंकवादी अटैक कर देते हैं, हमारे देश में प्रॉब्लम चल रही होती है, नक्सलाइट्स है, टेररिस्ट है, अलगाववादी, कितने सारे लोग, कितने सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, तो उनकी लड़ाई के अंदर भी हमारे देश के जवानों की
जान जाती है और उस टाइम पे ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गोपाल जी ने भी काफी इन्फॉर्मेशन बताई है। सोमनाथ शर्मा जी थे जिनको सबसे पहले अशोक चक्र मिला और काफी लोगों ने इसको बताया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि था एंटी इन्फ्लेमेटरी। देखिए यहाँ पे जो चार ऑप्शंस आपके सामने है इसमें आपका जो सही आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, प्रीडनिसोन। ठीक है, प्रीडनिसोन, प्रीडनिसोन यहाँ पे सही आंसर है। देखिए प्रीडनिसोन जो ये दवाई है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, लेकिन इसका काफी सारे चीजों में काम में लिया जाता है। जैसे कि अगर किसी के ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अगर किसी के कैंसर के अंदर भी काम में लिया जाता है, अगर किसी के और भी प्रॉब्लम है जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में भी, ऐसे कई सारी चीजों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है कि जब बॉडी आपको रेसिस्ट नहीं कर पा रही है, जब आपके बाहर से जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया आ रहे हैं तो जब बॉडी रेसिस्ट करती है उनको, उसको हम इन्फ्लेमेशन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि आपको प्रतिरोधक बनाने के लिए अच्छे से बाहर के एजेंट को ये दवाई काम में ली जाती है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, ये इसका नाम प्रेसिडिसोन, इसका नाम है प्रेसिडिसोन, डी आपका आंसर। यहाँ पे तीन दवाई का नाम और भी आपके सामने दिया हुआ है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो क्या है, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिंग है, पहली वाली मेटफॉर्मिंग है जो कि उन लोगों को दी जाती है जिनके डायबिटीज होता है, डायबिटीज टू, जिनका वेट ज्यादा होता है, डायबिटीज टू होता है, उनको ये मेटफॉर्मिन दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डायपजेपियम, ठीक है, डायपेजम। तो देखिए डायपेजम जो दवाई है ये दी जाती है उन लोगों को जिनके थोड़ा सा सोने में दिक्कत होती है, कामनेस के लिए, दिमाग को, मसल्स को शांति देने के लिए ये काम में ली जाती है। तो थोड़े से कंडीशंस जिनकी थोड़ी से खराब होती है उनको शांति प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। तीसरा है लैटनोप्रोस्ट, लैटनोप्रोस्ट की बात करूं तो ये जो मेडिसिन है ये आंखों के लिए होती है, जिनके ग्लैकोमा की प्रॉब्लम है जिनके, उन लोगों के लिए ये दवाई आई ड्रॉप है जो कि काम में ली जाती है। तो इस तरीके से चारों के चारों आपके सामने मैंने डिस्कस करी है और इसमें से हो सकता है क्वेश्चन वापस से रिपीट हो इस एग्जाम में, नहीं तो किसी और में जरूर होगा, लेकिन अगर आपको पता चल गया है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर वैसे किए थे लेकिन काफी लोगों के यहाँ पे गलत भी आंसर आए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया था, और ये जिस प्रेसिडोन टैबलेट है जो हमने डिस्कस करी थी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है जो कि आपको मिलता है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वही पूछा गया, साइंटिफिक नेम ऑफ वन ऑफ द प्लांट। मैं हमेशा आपसे हर क्लास में डिस्कस करता हूँ, एक आपको इमेज भी दिखाता हूँ साइंटिफिक नेम प्लांट की भी और एनिमल की भी। तो एक सवाल आता ही आता है और इस बार पूछा गया मूसा के बारे में, मूसा पैराडिसेका, ठीक है, पैराडिसेका के बारे में, ये कौन से पौधे का नाम है। तो ये देखिए किसका है, बनाना का है ये, कई बार मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बनाना को बोलते हैं मूसा, साइंटिफिक नेम उसका मूसा है। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे, डी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा आप एक इमेज देख सकते हैं जो कि मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूं उसके बारे में, प्लांट और एनिमल के जितने भी नाम है, कैनिन, फैबेज, ठीक है, पीस में सेटाविजम, साथ में मैग्निफेरा इंडिका, कोबरा का नाजा, तो ये सारे के सारे नाम आपके साइंटिफिक पेपर में आते रहते हैं और आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने जो इमेज है उससे आप वापस से इनको रिवाइज कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी आपके आने वाले पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपका आंसर डी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉन्स को लेके, प्रॉन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, प्रॉन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉन्स आपको पता है ना, जो झींगे होते हैं जो आपके, इसको फूड के अंदर भी काम में लेते हैं, जो सी फूड होते हैं ना उसके अंदर भी काम में लेते हैं प्रॉन्स को, तो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप प्रॉन्स के इमेज देख सकते हैं, जिन लोगों को प्रॉन्स पता नहीं है ये वो फूड है और इसको काफी कंजप्शन होता है गोवा या जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए इसका प्रॉन्स का फ्रेंड्स, वो क्या होना चाहिए, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन इसका आंसर होना चाहिए, ए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं प्रॉन्स, ए आपका इसका सही आंसर है। जिन लोगों को और कुछ लग रहा है, यहाँ पे देखिए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये तो कहीं रिलेट ही नहीं करते हैं दूर दूर तक, आपको पता है ना डिफरेंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल, ये सब के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। रेप्टाइल्स कौन से, रेंगने वाले होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों के ऊपर रहते हैं, जो कि लंग्स से और गिल से अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। मैमल्स आपको पता ही है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स है जो उनसे फीडिंग करवाते हैं। तो ये सारी जो बेसिक से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं,
ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे चीजें हैं और आप यहां से भी पढ़ सकते हैं इन सभी के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं मैम्बल्स का क्या होता है, लंग्स होते हैं एल्वोली के साथ में, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, बर्थ देते हैं लिव यंग्स को, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं मैम्बल्स के, ठीक है, हेयर्स होते हैं उनके स्किन के ऊपर और लिविंग टिश्यू के साथ में टीथ होते हैं। अब बर्ड्स के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, लंग्स होते हैं ट्यूब्स के साथ में और एग देते हैं वो लोग, फैदर्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर और ठीक है, रेप्टाइल्स आपको पता ही है लंग्स होते हैं एक्सटेंसिव फोल्डिंग के साथ में और ये भी एग्स देते हैं, और उसके बाद में एम्फीबियंस तो कौन होते हैं जो कि लैंड और दोनों के ऊपर रहते हैं, फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर करते हैं, प्रोटेक्टिव एग्स देते हैं, और फिश के बारे में भी आपको पता ही जो कि गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करती है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए पेपर में, इसमें एक ना एक कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, कभी इसको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिंग विच सब्सटेंस गिव ब्लू कलर टू ग्लास, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। कई बार आपने ऐसी बॉटल देखी होगी जो कि नीले कलर की बॉटल होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस वजह से वो नीले कलर की होती है। तो अगर मेरे को कोई बॉटल है उसको नीले कलर का बनाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कोबोल्ट यूज करना पड़ेगा, कोबोल्ट ऑक्साइड, कोबोल्ट ऑक्साइड आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, जिन लोगों का आंसर कुछ और लगता है वो गलत है। कोबोल्ट ऑक्साइड अगर आप यूज करेंगे बोतल तो बॉटल का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक और दे रखा है आयरन ऑक्साइड, देखिए अगर आपने बियर की बॉटल देखी होगी ना, बियर की जो बॉटल है वो मेजरली ग्रीन कलर की होती है, अगर बियर की बॉटल को ग्रीन कलर का बनाना है तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड यूज करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आयरन ऑक्साइड का है, तो अगली बार आपसे आयरन ऑक्साइड भी पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको ग्रीन कलर को हटाना है तो आपको मैग्नीज यूज करना पड़ेगा, मैग्नीज क्या होता है ग्रीन कलर को रिमूव करने के काम में आता है, और आयरन ऑक्साइड क्या आता है ग्रीन कलर को डालने के काम में आता है, वैसे ही ठीक है क्रोमियम भी यह है, काफी कुछ है, मैग्नीज ऑक्साइड मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया ना, मैग्नीज ऑक्साइड हटाने के काम में आएगा, क्रोमियम येलो कलर के लिए आएगा, ब्लू कलर भी प्रोवाइड करता है, ग्रीन भी प्रोवाइड करता है, क्रोमियम के कई अलग अलग से पार्ट है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बी लोगों ने जो दिया है वो बिल्कुल सही है, और ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स आप वाईफाई स्टडी की टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं, आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो, लेकिन टेस्ट सीरीज डेली का एक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए, ओके, आपके टेस्ट सीरीज से आपके जो स्पीड लेवल है जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज होएगा, और जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है उन सभी के लिए सीएचएसएल धमाका आप सभी के लिए प्रोवाइड किया था, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई उनके लिए वाईफाई स्टडी के पास में क्या क्या है जिससे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। 60 लाख बच्चे पेपर में आने वाले हैं और सिर्फ 2000 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो आप लोग हैं, तो आप लोग बहुत बेनिफिटेड हैं आप कि आपको इतना अच्छा कुछ पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादातर लोगों से शेयर करें ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। इसके अलावा फ्रेंड जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो वाईफाई स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, उसके बाद में बेल आइकन पर प्रेस करें, ठीक है, फिर आपकी नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप बियर की बॉटल देख सकते हैं, कई बार आपने नहीं देखी तो ऐसे ब्लू कलर की बॉटल्स है, ठीक है, और जो बियर की वो ग्रीन कलर की होती है ज्यादातर, यहाँ पे नॉर्मल जो बॉटल है वो ब्लू कलर की थी जिसको कोबर्ट यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया द OH बॉन्ड इन CH3OHs, तो ये OH बॉन्ड जो होता है CH3OH क्या होता है, मिथेनॉल होता है, ठीक है, मिथेनॉल होता है आप सभी को पता ही है ना, तो उसमें OH बॉन्ड कौन सा होता है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, मैंने आपको कल या परसों के टाइम पे मैंने आपको सारे के सारे बॉन्ड बताए थे, मैंने आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, इसके अलावा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। तो जिन लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं आया था मैं वापस आप सभी को बता रहा हूँ, उम्मीद है आज आप वापस से उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेपर में आपके कभी भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे CH3OH के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले हम भूल जाते हैं CH3OH है क्या, OH क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है पोलर मॉलिक्यूल्स है ये होते क्या है। मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर इक्वल शेयरिंग नहीं होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, तो उसके वजह से होता क्या है कि
एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके अंदर होता क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, वो बढ़ जाती है, शेयर नहीं कर पाते, तो नहीं करने की जो टेंडेंसी वो बढ़ जाती है, जो आयनिक बॉन्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, ये नॉन पोलर, इसके वजह से क्या हो जाता है, ये पोलर बॉन्ड बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इक्वल शेयरिंग नहीं हो पा रही है इलेक्ट्रॉन्स की। वैसे ही नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, यहां पे एग्जांपल में मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपने HCl का एग्जांपल देखा होगा ना, H का जो होता है ना इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो 3 होती है, 3.1 समथिंग, Cl की 2 होती है, तो आप देख सकते हैं ना बिल्कुल भी इक्विवेलेंस नहीं है, तो इस वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा हो चुकी है HCl की। लेकिन नॉन पोलर के अंदर होता क्या है, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि H2O, दो हाइड्रोजन है बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में। ठीक है, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कम हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड कम हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो सिंपल सा, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं महसूस करनी है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है पोलर के अंदर इक्वल शेयरिंग नहीं है, इसके वजह से वो क्या बन रहा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो इसको आपको समझना है और आपको ध्यान रखना है, और यहां पे काफी लोगों ने वैसे आंसर सही भी दिया है। और यहां पे OH की अगर मैं बात करूं, OH बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, यहां पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल शेयरिंग नहीं हो पाती है OH के अंदर। आप एक इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा स्पेसिफाई कर रखा है, यहां पे आप देख सकते हैं पोलर जो है वो कौन सा है, OH है। अब O का तो 3.5 है एफिनिटी और H का 2.1 है, तो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है, इसके वजह से वो क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। और नॉन पोलर कौन सा है, CH3OH के अंदर जो CH है ना वो नॉन पोलर है, जिसमें 2.5 और 2.1 इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, यानी कि काफी नियर अबाउट है, तो इस वजह से वो नॉन पोलर है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर होगा। जिन लोगों को इसका आंसर ए लगता है वो बिल्कुल सही है, बच्चों ने कुछ आंसर भी दिया है काफी लोगों ने, और बिल्कुल सही भी है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, इस बार सही आंसर किया है शिव शंकर जी ने। और मेघा जी का ये क्वेश्चन रह गया है, तो देखिए मेघा जी शायद आपने अभी ज्वाइन किया है, तो देखिए ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो मैं आपको ऐसा नहीं अभी बता रहा हूँ, डेली क्लास में जब जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, मैं आपको रटा दूंगा आने वाले एक महीने के अंदर, पूरी जीके आपको रट जाएगी, सारे कंसेप्ट आपको रट जाएंगे। ठीक है, तो हम डेली हमेशा इसको डिस्कस करेंगे जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है। तो अभी भी अगर कोई लेट आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जिनका गलत हुआ है कोई इशू नहीं है, आपका आज गलत हुआ है तो अगली बार आप उसको जरूर सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया, व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम तो आपको पता ही है, ठीक है, ऑक्टेन प्रोपेन ये सब आपको पता ही है ना, पेंटा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, हेक्सा सेप्टा, ठीक है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, आठ जिसका होता है ना उसको हम ऑक्टा बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पे लेट आए चिराग जी भी, लेट आए चिराग जी, टाइम पे आइए, 12 बजे की क्लास होती है, और अभी ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं हुए, अभी से आप बहुत सारा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए फ्रेंड, टाइम पे आने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना आप टाइम पे आएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, आपके लिए वाईफाई स्टडी सुबह से लेकर शाम तक क्लास कर रहे हैं, तो आप अटेंड करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। यहाँ पे जो ए इसका आंसर है, बिल्कुल मेजरली लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बात करिए, अगर मैं कल को ऐसे बोलता आपको कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो बताइए, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, ऑक्टेन आ गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया, इसलिए मुझे ऑक्टेन भी याद आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ ऑक्टेन नंबर सिस्टम क्या होता है, जो मशीन के अंदर जो फ्यूल का जो इंजन है ना, इंजन फ्यूल, उसके अंदर एंटी नॉकिंग जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑक्टेन नंबर करता है। जितना ज्यादा इंजन फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, उतनी ही आपकी गाड़ी के अंदर जो नॉकिंग है ना, गाड़ी आवाज करती है ना कई बार आपकी बाइक, वो आवाज नहीं करेगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो हम ऑक्टेन नंबर से ही डिफाइन। प्रीवियस क्लास के आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया था कि फ्यूल की जो गुणवत्ता है वो बताता है, अरुण मौर्या जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, तो बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है ये आपको बताना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे बंगाल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये, जो कि बनाया गया था सीएचएसएल के अंदर। अच्छा क्वेश्चन आया कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस है 22, उसके अंदर एक बंगाली लैंग्वेज भी है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ शेड्यूल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बंगाली ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल या फिर बांग्लादेश में ही बोली जाती है, बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस और कुछ स्टेट की भी है, जैसे अंडमान निकोबार की भी है और साथ में त्रिपुरा की भी है, आसाम के कुछ एरिया में भी बोली जाती है, उड़ीसा के एरिया में भी बोली जाती है, उड़ीसी वैसे ज़्यादा है लेकिन कुछ एक एरिया में है जहाँ पे बोली जाती है, तो त्रिपुरा में भी बोली जाती है। तो त्रिपुरा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, क्योंकि त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी क्या है, बंगाली ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका आंसर क्या होगा, बी आपका इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा त्रिपुरा के अलावा बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे भी बंगाली बोली जाती है और इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है। और दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाल, अगर नेटिव स्पीकर्स की बात करूं मैं तो 7वीं सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस जो है नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं वो कौन सी है, मैड्रिन है, मैड्रिन यानी कि चाइनीज, उसके बाद स्पैनिश है, देन इंग्लिश है, उसके बाद में हिंदी है, हिंदी के बाद में पांचवें नंबर पर अरेबिक है, छठे नंबर पर पोर्चुगीज है, सातवें नंबर के ऊपर है आपकी बंगाली लैंग्वेज, उसके बाद में रशियन, जापानीज, इस तरीके से ये ऑर्डर चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप त्रिपुरा, बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बंगाली की त्रिपुरा है, ये आप नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सही कहा है सुनील जी ने, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है, आपको पता होनी चाहिए। मेघालय की क्या है, शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो कैपिटल है आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ पे उपेंद्र जी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ दिन याद रहते हैं, तो देखिए उपेंद्र जी क्वेश्चन याद नहीं करने हैं आपको, क्वेश्चन जो आ चुका है वो तो आ चुका है, क्वेश्चन याद नहीं करने, कंसेप्ट याद करने हैं। अब मैंने आपको बोल दिया कि अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की, ठीक है, तो आपको इसका मतलब तो ना कि आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है, आपको पूरे इंडिया की कैपिटल ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से जीके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने क्वेश्चन में अंदर एक नेशनल पार्क बता दिया है कि कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिक्किम में, तो इसका मतलब ये तो ना कि सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है, आपको मैंने हमेशा मैं पूरा मैप दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको नेशनल पार्क याद करवाता हूँ, तो आपको पूरा याद करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको रट लेना है, अगर चार ऑप्शन आएंगे ना उसमें तब आप उसको इजीली समझ जाएंगे कि कौन सा वाला सही है। जीके कभी भी रटी नहीं जाती है फ्रेंड, ये गलत फहमी है, जो लोग जीके रटते हैं जल्दी ही भूल जाते हैं। जीके इस तरीके से पढ़िए ताकि आपको इंटरेस्टिंग बना रहे, आपको उसकी जो नॉलेज है आपके सामने जब चार ऑप्शन आएंगे ना तो उसमें आप एलिमिनेशन कर सको, हटा सको। अगर आपने पढ़ ली है तो चार में से तीन ऑप्शन तो आप हटा देंगे और आपका एक सही होगा, तो इस तरीके से 50 में से 50 मार्क्स आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रटना जरूरी नहीं है, अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है ना, जैसे कि मैंने अगर आपको आज आयनिक बॉन्ड के बारे में बता दिया, कोल एंड बॉन्ड, पोलर के बारे में, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे काफी लोगों ने वैसे सही आंसर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसके लेकर पूछा गया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किस चीज से डील करती है, ये आपका सवाल था। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, तो किसके साथ में डील करती है, ये आपका सवाल था, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड, माइक्रो और मैक्रो दो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है। माइक्रो जो होती है वो डील करती है इंडिविजुअल्स के साथ में, फर्म्स के साथ में, इनकम को लेकर साथ में, ठीक है, हाउस होल्ड को लेकर, जो अपने मेजर इकोनॉमी के अंदर जो छोटा सा पोर्शन है इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड का, छोटी छोटी फर्म्स का, ठीक है। कुल मिला के बात करें तो हम प्राइस का जो फैक्टर है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लोगों ने आंसर दिया वो बी आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो डिसीजन वैरी करते हैं किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली, हाउस होल्ड के अकॉर्डिंगली, वो माइक्रो में पड़ते हैं। माइक्रो के अंदर जब हम पढ़ते हैं वो प्राइस मैटर करती है, ठीक है, किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं उसमें इनकम मैटर करती है, ये मेजर पोर्शन होता है हमारी इकोनॉमी का, ये नेशनल के ऊपर है, ये डोमेस्टिक इशू के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं जिसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस आपके लिए लेके आए हैं, हम जिसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच में।
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो कि बिहेवियर पता करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर का, हाउस होल्ड का और बिजनेस का। मैक्रो क्या करती है, नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करती है, ठीक है, दोनों ही डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करती है और दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या होती है, ठीक है, फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस थ्योरी, मैंने आपको बताया था ना प्राइस के ऊपर मैटर करता है ज्यादा, तो ये प्राइस थ्योरी पे के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन देती है। वैसे मैक्रो की जब हम बात करते हैं तो वो इनकम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डील करेगी माइक्रो और उसके मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अभी तक एक स्टूडेंट के सारे सही है, चंदन जी के काफी क्वेश्चन अभी तक सही आ जा रहे हैं, ओके अच्छी बात है चंदन जी, और उम्मीद है कि आपके आने वाले पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि आपसे पूछा गया था, और ये पूछा गया था एक ड्रग को लेकर कि नेम द ड्रग दैट इज यील्डेड फ्रॉम द चिंकोना ट्री एंड यूज टू क्योर मलेरिया। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पिछले 10 साल से पेपर में आ रहे हैं, सीजीएल या सीएचएसएल दोनों में से एक पेपर के अंदर हमेशा ये सवाल आता ही आता है, चिंकोना बार्क को लेकर, चिंकोना ट्री को लेकर, जिससे मलेरिया की एक मेडिसिन बनती है, ड्रग बनता है, जिसको हम क्यूनाइन बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, क्यूनाइन इसका सही आंसर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सी आपका सही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बार्क भी देख सकते हैं, ये चिंकोना बार्क है जो कि आपके साइड में दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ इसीलिए काम में नहीं आती, चिंकोना के बहुत सारे फायदे होते हैं, मेजरली डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं तो चिंकोना बार्क का यूज कर सकते हैं, स्किन क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करवाते हैं, कल हमने पढ़े थे ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, वो सारे के सारे, तो इसका काफी रोल बड़ा प्ले होता है इसके अंदर। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द यूएस ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापानीज सिटी हिरोशिमा। तो आपको पता ही है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो अमेरिका है उसने एटम बॉम्ब गिराए थे, ठीक है, और दो बॉम्ब के नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय सबसे पहले गिराया गया, देखिए ये जो तारीख है ना 6 अगस्त की और 9 अगस्त की 1945 की, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री के अंदर तारीख है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ठीक है, हुआ यह था वर्ल्ड वॉर 1939 के अंदर जब पोलैंड पर अटैक किया था अडोल्फ हिटलर ने, तब क्या हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गई थी, और उनके मरने के बाद 1945 में उनकी डेथ हुई थी, उस टाइम पे वो उनके मरने के बाद में ये लड़ाई खत्म हुई थी, तो उन्होंने पोलैंड पे 1939 में अटैक कर लिया था, ठीक है, उसके बाद में सारे कंट्रीज कूद पड़े वॉर के अंदर, जापानीज अमेरिका कभी भी वॉर के अंदर नहीं था, वो इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा था, लेकिन जब जापानीज ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया तो यूएस को वॉर के अंदर कूदना पड़ा, कई बार समझाया, उस टाइम पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो ट्रूमैन करके थे, हेनरी ट्रूमैन समथिंग उनका नाम था, उस टाइम पे उन प्रेसिडेंट ने जापान को वार्न भी किया कि आप सरेंडर कर दो, जापान ने बोल दिया कि हम सब मर जाएंगे लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे, और उन्होंने पूरी फोर्सेस लगा दी अपनी जापान ने अटैक करने को लेकर यूएस के ऊपर। उसके बाद में फर्स्ट एटम बम यूज किया गया 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है, नियर, और दोनों के अंदर मिला के बाद में तो 2 लाख लोगों की मौत हुई थी, 2 से 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, इतना बड़ा अटैक था ये। और उसके बाद में फैट मैन नाम का एक एटम बॉम्ब था जो कि गिराया गया, ये यूरेनियम बॉम्ब था और ये प्लूटोनियम बॉम्ब था, प्लूटोनियम यूरेनियम दोनों ही, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो लिटिल बॉय उसके बाद में फैट मैन, 2 अटम्प बॉम्ब गिराए गए 6 अगस्त और 9 अगस्त को, पहले हिरोशिमा के ऊपर फिर नागासाकी के ऊपर, और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई क्योंकि उसके बाद कुछ बचा नहीं था, ठीक है। और आप देख सकते हैं इमेज उसकी जिस टाइम पे अटैक हुआ था, ये हिरोशिमा और नागासाकी की 2 इमेजेस है, और यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर वैसे सही दिया है 6 अगस्त और यहाँ पे, ठीक है, और बहुत लोगों ने यहाँ पे वैसे सही आंसर दिया है, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, सही बात है, नवीन जी ने कहा है, और यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ए सही आंसर होगा, काफी सभी को वैसे पता ही है, ठीक है, 6 अगस्त यानी कि ए आपका सही आंसर होगा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, दो नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि पूछा गया लंदन से, एक सवाल है आपके लिए, ठीक है, ग्रेट स्मोक हुआ था 1952, वॉज अ सीवियर एयर पोल्यूशन इवेंट विच अफेक्टेड,
तो ग्रेट स्मोक के बारे में आपने सुना होगा, वैसे 1952 के अंदर ऐसा हुआ था कि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एंटी साइक्लोन, क्लाइमेटिक कंडीशन, लंदन पूरा का पूरा स्मोक के अंदर घिर गया था और लोगों की जो सांस लेने के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी और काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज है उनको इतनी आदत नहीं है। अपने यहाँ पे तो 200-300 पीएम तो आम बात होती है, तो अपने लंग्स तो वैसे यूज टू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो 1952 में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द पोल्यूशन ग्रेट स्मोक हुआ लंदन के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बीस का सही आंसर होगा, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर सही दिया है, आप देख सकते हैं एक इमेज जो कि उस टाइम पे लंदन की है, पूरा का पूरा लंदन स्मोक के अंदर भर चुका था और काफी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और काफी लोगों की उस टाइम पे डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया लैटिट्यूड को लेकर। आपको पता ही जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लेटीवी लाइन तो लैटिट्यूड होती है और ऊपर से नीचे आने वाली लाइन लॉन्गिट्यूड होती है, लंबी वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड और लेटी वाली लाइन लैटिट्यूड। हर एक लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस होता है कुछ एक किलोमीटर का, तो कितने किलोमीटर का होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर है, कई बार आपने देखा होगा। देखिए जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो आपका सी आंसर होगा 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है हर एक लैटिट्यूड के बीच में, हर एक लाइन के बीच में। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड के अंदर वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो 111 होगा, 45 डिग्री पे जाएंगे तो 69 के समवेयर हो जाएगा और पोल्स पे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों में ध्यान रखना है, लैटिट्यूड में सबसे में 111 है लेकिन लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी लोगों ने आंसर वैसे सही दिया है इसका, मुझे उम्मीद है कोई भी यहाँ पे इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक इमेज भी दिखा रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने लैटिट्यूड है और लैटिट्यूड के बारे में आप देख सकते हैं कि जो डिग्री है वो 111 किलोमीटर की होती है हर एक डिग्री, ओके। किसमें मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट से हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको। उसके बाद में लॉन्गिट्यूड की भी आप देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में भी, लॉन्गिट्यूड के अंदर डिपेंड करता है कौन सी पोजिशन में है, ठीक है। मेरिडियन हम इसको बोलते हैं, पोल्स के ऊपर आके मिलते हैं मेरिडियन, जीरो से लेके प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री जो है वो कहाँ पे होती है फ्रेंड, वो ग्रीनविच के अंदर है। कहाँ पर है, लंदन के अंदर एक लैब है ग्रीनविच लैब, वहां पर है लंदन, तो वहां से इसको जीरो डिग्री मानते हैं, ठीक है। और हमारे इलाहाबाद के अंदर कौन सा 82.5 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे पास ऑन होती है यहाँ से। तो ये टाइम को पता करने के लिए काम में ली जाती है, क्योंकि अगर दुनिया में टाइम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो टाइम को पता करने के लिए हमने ये मेरिडियंस, ये सब लाइंस, ये सब बनाई है ताकि हम टाइम को पता कर सके, ठीक है। ईस्ट की साइड 0 से 180 डिग्री और वेस्ट की साइड भी 0 से 180 डिग्री, और जो लाइंस है वो इक्वल नहीं है। मेजर कंसेप्ट मेरा यही है यहाँ पे आपको बताने के लिए। सबको लगता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के अंदर 111 डिग्री होता है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड के अंदर 111 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होता है। इक्वेटर के पास तो 111 डिग्री होता है, लेकिन जब हम 45 डिग्री के पास में जाते हैं वहां पर 79 डिग्री हो जाता है और पोल्स के वहां पर पहुंच के 0 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस है जो कि आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे विवेक सर ने भी इसके लिए ऊपर एक क्लास भी ली थी, तो उम्मीद है कि आपने वो क्लास भी अटेंड करी होगी जहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी सिंपल है और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि पूछा गया सिटी बिसाइड्स रिवर। क्वेश्चन जो था वो एक टॉपिक है अपने स्टार्टिंग जीके में, सिटी बिसाइड्स रिवर, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी आपके लिए बना के डाल रखा है। इंडिया की जो सिटीज है जो कि रिवर के ऊपर है वो भी मैंने बना रखा है, रिवर के पास में है, ठीक है। और साथ में वर्ल्ड की जो सिटीज है जो कि रिवर के साथ में है, बनी हुई है, उसका भी मैंने वीडियो आपके लिए बना के डाल रखा है। यहाँ पे जो पूछा गया इस टॉपिक में से, सिटी बिसाइड्स रिवर में से, वो पूछा गया ब्रह्मपुत्र का, कि जो ब्रह्मपुत्र है वो के ऊपर कौन सी सिटी बनी हुई है, उसके पास में बिसाइड्स, उसके पास में कौन सी सिटी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ, ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा, डिब्रूगढ़, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र तिब्बत से स्टार्ट होती है, एंगसी ग्लेशियर है, एंगसी ग्लेशियर वहां से तिब्बत से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश जाती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम और आसाम से होते हुए बांग्लादेश, ये तो उसका पूरा का पूरा रूट है। अब इसके अंदर ब्रह्मपुत्र की कई सारी दिहैंग, दिबैंग, लोहित, कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी है, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत में इसको ट्रेंगस्पो बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है,
कई बार पूछते हैं जमुना कौन सी रिवर को बोलते हैं बांग्लादेश में, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसा क्वेश्चन मैंने दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो जमुना नाम है वो ब्रह्मपुत्र का है बांग्लादेश के अंदर, और जो अपनी गंगा है उसका नाम पद्मा नाम है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर जाके दोनों मिल जाती है और बनती है मेघना रिवर, ये भी आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड रिवर के ऊपर, जो सबसे रिवर के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना दुनिया के किसी भी रिवर के ऊपर सबसे बड़ा आइलैंड वो ब्रह्मपुत्र ही है। आसाम के अंदर माजुली नाम का आइलैंड है, माजुली आइलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइल आइलैंड है, यानी कि रिवर के अंदर जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। उसको कुछ टाइम पहले डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया था आसाम में, और काफी बड़ी एक टूरिस्ट प्लेस है। और ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या है यहाँ पे, डिब्रूगढ़ है। इसके अलावा मैं आपको एक इमेज भी दे रहा हूँ जिसमें मैंने कई सारी सिटीज है और जो कि रिवर्स के ऊपर है, तो ये आपको ध्यान रखनी, जैसे कि गंगा है आपको पता ही, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड यहाँ से होती भी निकलती है। यमुना भी आपको स्टेट पता होने चाहिए कौन से स्टेट से होके निकलती है। ठीक है, स्टेट्स मैंने सिटीज कवर नहीं करी है इस इमेज के अंदर, सबसे पहले आज हम स्टेट देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जगह अगर आएगा ठीक है तो फिर हम उस टाइम सिटीज भी देखेंगे। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की इमेज देख लीजिए, आपके सामने ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे पहुंचती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इमेज भी देख लीजिए, कौन सी रिवर कौन से स्टेट से होके गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए। गंगा चार, गंगा के कई सारे स्टेट्स हैं, उसके बाद में यमुना ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सारी के सारी रिवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नर्मदा एमपी, काफी लोगों ने सही बोला है। और पुष्पलता जी बोल रही है माजुली एक सिंह वाला गैंडा, तो माजुली पे नहीं मिलता है, वो मिलता है कौन से ऊपर, काजीरंगा के ऊपर, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर मिलता है राइनोस जिसको हम बोलते हैं एक सिंह का गैंडा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, काफी सिंपल क्वेश्चन था, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडॉल्फ हिटलर को लेकर कि हिटलर ने सुसाइड कब करी थी, तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ही था कि जब हिटलर की मौत हुई थी 1939 से लेकर 45 तक वर्ल्ड वॉर हुई थी, 45 में जब वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई तब हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर के बारे में आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रिया के अंदर इनका बर्थ हुआ था। कई बार पूछते हैं कि हिटलर का बर्थ कहां पे हुआ था, लोगों को लगता है कि जर्मनी के थे तो जर्मनी में हुआ होगा, हंगरी के में हुआ होगा, फ्रांस में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। अडॉल्फ हिटलर का जो बर्थ हुआ था वह ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही एरिया हुआ करते थे। उसके बाद में वो जर्मनी चले गए, जर्मनी ने उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थोड़ी कम उम्र के अंदर, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम भी किया, उसके बाद में अपना ग्रुप बना लिया, उसके बाद में ऐसे करते करते उनको जेल भी हुई, जेल में भी रहे वो, जब उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए थे और ऐसे करते करते वो नाजी आर्मी के हेड बन गए, और उस टाइम पर उन्होंने सोच लिया कि वो अलेक्जेंडर बनेंगे, दुनिया को अपने कब्जे में कर लेंगे। महात्मा गांधी जी ने उन्होंने उनको कुछ लेटर्स भी लिखे थे उस टाइम पे कि आप लड़ाई मत करिए, इससे जर्मनी का ही नुकसान होगा, उन्होंने नहीं सुनी और मरते दम तक गांधी जी के जो लेटर्स हैं उनको एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे उन्होंने अपने पास में रखा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी अपने स्ट्रगल के टाइम पे, उसका नाम था मैन क्रैम्प, इस तरह एक नाम था इसका, इसका मतलब होता है माई स्ट्रगल, ये उन्होंने जेल में रहते वक्त अपनी एक किताब लिखी थी। ठीक है, अडॉल्फ हिटलर ने, तो पेपर में ये भी कई बार पूछते हैं इस किताब के बारे में भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बोला यहाँ पे एके पांडे जी ने, ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जर्मनी क्या है, बर्लिन, जर्मनी कैपिटल क्या है, बर्लिन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1945 इसका सही आंसर होगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, तो सिंपल सा एक लॉजिक था, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी 14 से लेकर 18 तक, और सेकंड हुई 39 से 45, तो ये आपको पता होता तो आप इसका आंसर इजीली निकाल लेते और आपका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हुमायूं को लेकर पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ में एक न्यूज़पेपर की भी मैं इमेज शो करवा रहा हूँ, ये वो न्यूज़पेपर का अगला दिन का न्यूज़पेपर है जब हिटलर की डेथ हुई थी। ठीक है, ये उसकी अगले दिन की हेडलाइन है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ थी ये, द स्टार्स एंड द स्ट्रिप्स, ये एक न्यूज़पेपर है वहाँ का यूरोप का, और उस टाइम पे चर्चिल ठीक है वहाँ के हेड थे, यूके के विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और वहाँ पे उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हिटलर ने सुसाइड कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपसे पूछा गया हुमायूं को लेकर, हुमायूं वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, सिंपल सा सवाल था, कल पूछा गया था अशोका को लेकर, इस बार पूछा गया हुमायूं को लेकर। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
औरंगजेब, ठीक है, जफर, उसके बाद में जो लेटर मुगल्स है वो भी, तो ये सारे के सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके टॉम इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाबर का जो टॉम है वो काबुल के अंदर है, और हुमायूं का कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसके बाद अकबर का जो है आगरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, और उसके बाद शाहजहां का आगरा में है, और औरंगजेब का कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सारे टॉम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी को पता ही है मुगल थे हुमायूं, ठीक है। तो साथ में आपको मैं एक इमेज भी दिखा रहा हूँ जिसमें ये जो शुरू वाले है ना छह नाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू वाले छह नाम भी अगर आप याद रख सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहां से ही आपके सवाल बनते हैं मेजरली, ठीक है, इसी में से आपके सवाल आते हैं। मोस्ट पावरफुल अगर आपसे पूछा जाए, जो लास्ट पावरफुल थे, तो औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल, ठीक है। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो काफी लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके, वो काफी लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्लड को लेके। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? अब देखिए सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम पता है ना आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से हमारे हार्ट के द्वारा ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इस सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने पता किया था, ये आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये किसने किया था, हार्वी ने, विलियम हार्वी वो पर्सन थे, लोगों ने सही आंसर किया है, विलियम हार्वी वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले अपने हार्ट के बारे में बताया था कि ये फोर चैम्बर हार्ट होता है, इस तरीके से ब्लड जाता है, इस तरीके से आता है। और अपने हार्ट का काम क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपके घर में पानी की मोटर होती है जो पानी को टंकी तक पहुंचाती है, उसी तरीके से हमारे दिल, हमारे बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड पंप करता है तो हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक जाता है, सारे के सारे जो जो न्यूट्रिशंट है, हार्मोन्स है, वो सब कुछ लेके जाएगा बॉडी के कोने कोने तक, ब्लड पहुंचेगा तो हर एक सेल को एनर्जी मिलेगी और वो अपना काम करेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज होता है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनका हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, तो अब होता क्या है कि उनके जो फिंगर्स है ना वो स्वेलिंग पे दिखेंगे आपको, वो स्वेल कर रही होती है जिनके हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, जिनके डायबिटीज होता है या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ब्लड, वो आपका जो हार्ट है वो काम नहीं कर पा रहा है, अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है। पंप नहीं होगा तो सेल जो ब्लड है वो कोने कोने तक पहुंचेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो स्वेलिंग हो जाएगी उनके, ये एक रीजन होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना कि भाई घी नहीं खाना चाहिए या फिर कम खाना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर प्रॉब्लम भी यही होती है आपके जो, ठीक है, आर्टरीज जो है ना, आर्टरीज उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब ब्लड जब फ्लो करेगा तो इतने अच्छे तरीके से उसको जगह नहीं मिल पाएगी, जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो प्रेशर मारना चालू करेगा, ज्यादा प्रेशर करेगा तो आपके हार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट अटैक तभी आता है, तब यहाँ पे क्या होता है, तब ज्यादा जगह नहीं मिल पाती ब्लड को, और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक बार हार्ट अटैक आ जाता है, इस तरीके से हार्ट अटैक आता है। इसलिए बोलते हैं ये जो पैसेज है ना, ये क्लीन होना चाहिए आपके, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम होना चाहिए, आप अच्छा खाना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसी वजह से, क्योंकि आपका जितना अच्छा ब्लड फ्लो करेगा आपकी बॉडी में उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। बीपी उसी को तो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है आपकी आर्टरीज के ऊपर जाने को लेकर, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इसका मतलब आपकी जो पाइप्स है ना जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, वो क्लियर पैसेज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक हार्ट की तस्वीर भी दिखा रहा हूं, जिससे आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं होगा, हमारा हार्ट, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया ना, जैसे कि मोटर काम करती है ब्लड पानी को ऊपर लेके जाने के लिए, वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, ठीक है, पंप करने का काम करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो इमेज है ना, इसके अंदर बहुत कुछ आपके लिए सीखने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन, 50 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कितने चैम्बर हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले ये पूछते हैं, ठीक है। तो फोर चैम्बर हमारा हार्ट होता है, आपको बताइए, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पे जो राइट आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम के अंदर से क्या होता है, यहां पे जो राइट पुलमेरी वेन्स है, इसके अंदर से आपका जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है,
क्योंकि हम होता ही है कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा रोटेशन जब चलता रहता है ना, तब जो नॉन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है वो जाएगा राइट पुलमरी वेन्स के अंदर से और हमारे हार्ट से होते हुए हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो एल्वोली है वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा और लंग्स से फिर वापस से जो ब्लड है वो लेफ्ट पुलमरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर वापस आएगा और फिर हमारा ब्लड क्या करेगा, उसको पंप करेगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ना उसको भेज देगा। समझ में आई? जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट पुलमरी वेन्स में से जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट पुलमरी वेन्स के अंदर से वापस आएगा। समझ गए इतनी सी बात? उसके बाद में आप देख सकते हैं राइट पुलमरी आर्टरीज भी है, आर्टरीज के अंदर से आएगा और फिर वहां से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के होता हुआ और लेफ्ट पुलमरी आर्टरी से निकल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट पुलमरी आर्टरी के थ्रू तो आएगा। देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा वापस से आपको बता रहा हूं, राइट पुलमरी आर्टरीज के थ्रू तो आपका ब्लड आएगा, ठीक है, लेफ्ट पुलमरी आर्टरीज के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद में लेफ्ट पुलमरी वेन्स के थ्रू वापस हमारे हार्ट में आएगा और उसके बाद में जो ऑर्टा है, लेफ्ट पुलमरी वेन्स है, राइट पुलमरी वेन्स है, उसके द्वारा वापस से निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको पता होना चाहिए और आपके पेपर में कई बार आता है। बिल्कुल सही कहा है, टोटल ब्लड जो होता है वो 5 लीटर होता है वुमेन ब्लड। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयरअप करी है और बिल्कुल सही है, 80 और 120 ये आपके ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो पार्ट्स में हम इसको यूज करते हैं, पेसमेकर भी होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और सभी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आप और भी ब्रीफली जब अगली बार हम वापस पढ़ेंगे तब मैं और आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं और वापस से जब क्वेश्चन आएगा जब और हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटरी मोशन। ठीक है, रोटरी मोशन के बारे में बताया कि कौन से दो तरीके के रोटरी मोशंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, कई तरीके के जो हमारे बॉडी के हमारे मोशंस होते हैं, हम रेक्टिंगुलर मोशन भी पढ़ते हैं, कर्वीलियर भी पढ़ते हैं, रोटरी भी पढ़ते हैं, कई सारे पढ़ते हैं। कई सारे हम पढ़ते हैं और इसमें से जो एक रोटरी मोशन है ये दो तरीके का होता है, एक तो स्पिन वाला होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑर्बिटल होता है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो इसका बी सही आंसर होना चाहिए, एक तो स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये दो तरीके के रोटरी मोशन होते हैं, एक तो स्पिन जब होती है जब अपनी एक्सिस के ऊपर होती है कोई भी चीज, और अगर आप ऑर्बिटल करेंगे तो वो क्या होगा, खुद की एक्सिस पे ना होने के बजाय किसी दूसरे की एक्सिस के ऊपर होगा। ये दो फर्क होते हैं स्पिन के अंदर और ऑर्बिटल मोशन के अंदर। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला एक इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर कई टाइप के जो मोशंस है वो आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट सीधा मूव करता है, कर्वीलिनियर में कर्व्ड पाथ में करता है, रोटरी मोशन में फिक्स पॉइंट से रोटेशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम जैसे कि चलता है उसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, वैसे वाइब्रेटरी मोशन भी होता है। ठीक है, जब कोई वाइब्रेशन से होगा जैसे कि म्यूजिक गिटार बजाओगे तो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेटरी मोशन होगा आपका। वैसे मल्टीपल भी होते हैं जिसमें कई सारे मोशंस इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरह के टाइप ऑफ मोशन से पेपर में आपसे कोई सा भी इसमें से पूछ सकते हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने यहाँ पे जो आंसर है वो सही दिया है, बी लोगों का आंसर है। ठीक है, और चंदन जी का बिल्कुल सही जा रहा है अभी, चंदन जी उम्मीद है और बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल भी होता है जब हम मिसाइल फेंकते ना, यहाँ पे बोला है अनिल जी ने पूछा है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है फ्रेंड जब जो कि आपके जैसे कि आपने मिसाइल देखी है ना, मिसाइल होती है जो वो इस तरीके से जाती है, तो जब भी इस तरीके से कोई भी चीज जाएगी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। समझ गए, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि अनिल जी ने पूछा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंपल सा सवाल था ये तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सा सवाल था, ठीक है, कि आप अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स जहां पे लग रहा है और जो दूसरी चीज हो रही है उसके अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से एक देखूं, यहां से मैं फोर्स लगाऊं और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से रोटेशन हो रहा है जिसका, ठीक है, या फिर इधर से रोटेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले लीजिए, मैंने फोर्स लगाया तो ये वाला जो परपेंडिकुलर आर्म है ना इसको बोला गया है, ये क्या है, ये क्या होता है।
तो ये क्या होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, मोमेंट आर्म, इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो ये जो परपेंडिकुलर है यहां पे एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यहां पे क्या, यहां पे बनेगा एंगल 90 डिग्री, यहां पे एंगल बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और इस तरीके से ये रोटेशन होगा और यहां पे फोर्स लगेगा इसका। तो जिसको फोर्स लगते हैं हम उसको बोलते हैं, यहां पे लोगों ने बी मेजरली आंसर किया फ्रेंड, गलत आंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब कोई बॉडी आपके रेसिस्ट कर रही है किसी भी रोटेशन को, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यहां पे लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर कर रखा है, ठीक है, ए इसका सही आंसर है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म इसका सही आंसर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब बॉडी रेसिस्ट करती है किसी भी चेंज को। जब आप बस में जा रहे होते हैं, बस वाला गाड़ी घुमाता है, तब आपकी बॉडी उसके उल्टे साइड में गिर रही होती है और आपकी बॉडी रोक, नीचे वाली जो बॉडी है वो ऊपर वाली बॉडी को रेसिस्ट करती है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको साथ में मैं एक इमेज भी दिखा रहा हूं जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, उसके साथ में एक लीवर आर्म या फिर मोमेंट आर्म भी बन रहा है, ठीक है। तो लीवर आर्म और मोमेंट आर्म जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसको हम कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे सही कहा है स्टूडेंट ने, टॉर्क भी हम इसको कह सकते हैं। जब आप एफ इंटू एल करोगे तो टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंकित जी का यहां पे सही आंसर था, और काफी लोगों ने यहां पे वैसे गलत किया था, लेकिन अंकित जी का सही था। अंकित जी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही है। श्रवण जी ने कहा है टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, वो पूछा गया बुक को लेकर। बुक तो नहीं है एक्चुअली, लेकिन एक इंग्लिश फिलोसफर है, फिजिशियन थे, उसको लेकर, जॉन लोक, एक ठीक है, जॉन लॉन ने एक, लॉक ने एक बात बोली थी फ्रीडम को लेकर, ठीक है, नेचुरल राइट्स को लेकर, कि उनके अकॉर्डिंगली जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो उसमें से उन्होंने कौन से वाला एक नाम है जो कि उन्होंने नहीं बताया था, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक, लिबर्टी भी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सारे जो राइट्स होते हैं, फ्रीडम वाले राइट्स, ये सारे नेचुरल राइट्स हैं जो कि एक इंसान के बर्थ के साथ में उसको मिलते हैं, ऐसा उनका कहना था। जब कोई भी इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तब उसको कुछ राइट्स मिलते हैं उस देश के अंदर, जैसे कि लिबर्टी वाले मिलने चाहिए, इक्वलिटी वाले, फ्रीडम वाले, प्रॉपर्टी अगर किसी के पास ऑन हो रही है तो वो वाले। तो उनके अकॉर्डिंगली राइट टू वोट जो है ना, वो क्या एक नेचुरल राइट नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, इसका डी इसका सही आंसर होगा। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये आपका एक तरीके का लीगल राइट है, ना तो ये फंडामेंटल राइट है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका लीगल राइट है। पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अमेंडमेंट करके इसको, ठीक है, 18 साल कर दिया गया, और 18 साल अब आपकी राइट टू वोट है। आप 18 साल से ऊपर है तो आप वोट जरूर दिया कीजिए, वोट देना बहुत जरूर है, बहुत जरूरी है। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, और अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके पास एक ही पावर है जिसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट को हिला सकते हैं, वो है राइट टू वोट, जो कि आपका लीगल राइट है। इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका डी सही आंसर है। आप इमेज में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, लॉक राइट्स के ऊपर क्या बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसी काफी बातें बोली थी, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है वैसे इमेज में, जो मैंने आपको बताया वो काफी ज्यादा है इस कंपेरेटिवली इस इमेज के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वापस से पॉलिटिक्स से पूछा गया। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियो देखेंगे, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इजिली सॉल्व हो जाएंगे। इस बार पूछा गया हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी और एसटी इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर आपको बताइए 545 सीट्स है, अब उसके अंदर से कितनी सीटें एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ये आपको पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा में नियर बाय 15% जो सीट्स है ना, वो तो एससी के लिए रिजर्व है, और नियर बाय 7% के समथिंग एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है, जो कि मिला के टोटल 131 सीट होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 131। बिल्कुल सही लोगों ने आंसर दिया है, डी इसका सही आंसर होगा। 131 सीटें, 15% के समवेयर एससी के लिए, और एसटी के लिए 7% के समथिंग होता है जो कि उसके लिए होता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और आपके हो, और आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल था, काफी लोगों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया बर्डी को लेकर। बर्डी कौन से गेम से रिलेटेड है। बर्डी आपको पता है फ्रेंड कौन से गेम में काम में लिया जाता है, मैं पहले कई बार उसको डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रैटेजी की क्लास के अंदर,
कि जो बर्डी है ये गोल्फ के अंदर काम में लेते हैं। जब पहली बार आप होल में डालते हो बॉल को तब उसको हम बर्डी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? गोल्फ इसका सही आंसर होगा, ठीक है? ए इसका सही आंसर होगा। बर्डी हम किसको बोलते हैं? जब आप पहली बार बॉल को होल में डालते हो तब उसको बर्डी बोलते हैं, और ए इसका सही आंसर होगा। और काफी लोगों ने इसका आंसर ए भी दिया है और बिल्कुल सही भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ऑल अबाउट वुमेन। तो ये जो किताब है ऑल अबाउट वुमेन, ये एक ऐसी पर्सन है जो कि हमारे देश में रहती थी, लेकिन हमारे देश से इनको फिर बाद में निकाल दिया गया, बांग्लादेश से भी निकाल दिया गया। तस्लीमा का नाम आपने सुना होगा, तस्लीमा ओके नसरीन, तस्लीमा नसरीन का अगर आपने नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी बड़ी एक्टिविस्ट है वुमेन को लेके, वुमेन के एम्पावरमेंट को लेके। बांग्लादेश से भी इनको एग्जाइल कर दिया गया था, इंडिया में कुछ साल रही, बंगाल में इन्होंने अपना घर बनाया, कुछ साल रही, इंडिया से भी इन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद में स्वीडन की इनको सिटीजनशिप मिली। और कई सारी ऐसी किताबें, लज्जा नाम की किताब भी इनकी है, ऑल अबाउट वुमेन है, देर इज़ नो प्लेस फॉर वुमेन, इस नाम की भी इनकी किताब है। तो इस तरीके से काफ़ी इनके काम है जो कि वुमेन के लेके इन्होंने किताबें लिखी है। आप एक इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, आप एक इमेज भी देख सकते हैं जो कि इसी बुक की इमेज है, कवर इमेज है। और आपका आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा, तस्लीमा नर्सी, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे तरुणा जी ने कहा है गेम्स से रिलेटेड एक वीडियो, तो बिल्कुल देखिए, नेशनल गेम्स वाला तो मैंने आपके लिए बना रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर वाईफाई स्टडी के। और जो गेम्स की जो टर्मिनोलॉजीज है इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको मेजरली काफी कुछ पता चल जाए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि गेम्स में यूज करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी क्वेश्चन आज हमने कवर अप करे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड। साथ में फ्रेंड्स मैं अब आपका टाइम आ चुका है कि अब आप टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करें, यानी कि डेली का एक टेस्ट जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये आपके टाइम पीरियड को बताएगा, बढ़ाएगा और काफी आपको हेल्प करेगा। और जिन लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुए वो CHSL धमाका को काम में ले, आपके CHSL की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है, तो वो जरूर ध्यान रखें। तो उम्मीद है कल वापस से सुबह 8 बजे वो कैप क्लास में, 10 बजे मैथ में, 12 बजे जीके क्लास में वापस से मिलेंगे। और अभी 2 बजे साहिल सर की क्लास है जो कि आपकी मैथ की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, तो वो भी अटेंड जरूर कीजिए क्योंकि आपको काफी कुछ नया उसमें सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। साथ में आपके लिए एक डेमो टेस्ट भी फ्री में रखा गया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।